हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसको क्या होता है, 3.765 को नंबर लाइन प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है इसको, इसको देखिएगा, अच्छा सीखिएगा। सबसे पहले हम स्केल लेंगे, देन देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि ये जो 3.765 जो है, ये जो है 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। इसका मतलब जो है हमको क्लियर हो गया कि 3 एंड 4 के बीच में लाइन करे, कहाँ पे करेगा वो नंबर लाइन के, नंबर लाइन ही बताएगा। तो चलिए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हम पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का भी है। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं इसको 0, इसको -1, -2, -3, -4, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ऑन। ठीक है, मतलब देखिए ये नंबर जो 3 और 4 के बीच में कहीं लाई करेगा, इसका मतलब ये हमारा 3 हो गया और ये 4 हो गया, इसके बीच में कहीं पे होगा। इसका मतलब जो होता है इससे लोअर 3 और 4 और इसको लोअर, मतलब 3 और 4 को और हम क्या करेंगे, जूम करेंगे। जूम करने के लिए क्या करते हैं, इससे लोअर यूनिट बांटते हैं। लोअर यूनिट मतलब आने का मतलब होता है कि इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको जूम करके हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो फिर नंबर लाइन लिखते हैं, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो यहां पे देखिए 3 और 4 को, 3 अब कहा जाएगा, यहां पे आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 3.0 से लिख देंगे। ठीक है, देखिएगा आपको, तो ये 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3.3 हो जाएगा और ये 3.4 हो जाएगा, ये 3.5, ये 3.6, ये 3.7, ये 3.8 हो जाएगा, ये 3.9 और ये क्या हो जाएगा, 4। मतलब जो हमने जो है 3 और 4 को इतने, 3 और 4 जो रीजन है, देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, इसको लाइन को ड्रॉ कर। देखिए जो 3 और 4 में जो रीजन था उसको इतना में हमने एक्सपांड कर दिया, जूम कर दिया। अब इसका मतलब है जो 3 और 4 के बीच में जो नंबर, तो यहाँ देखिए, तो अब 3.7 को दिखाएंगे। ठीक है, मतलब एक डिजिट बढ़ते जाएंगे, डेसिमल प्लेस में एक डिजिट बढ़े। 3.7 का है, 3.7 यहाँ पे, 3.7 देखिए, 3.765 है, मतलब अभी भी ज्यादा है। तो इसका मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं पे होगा, कहाँ पे होगा उसके लिए फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है ये हमारा, देखिए तो यहाँ पे जो है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर ले ताकि दिक्कत ना हो और आप अच्छे से समझ पाए। मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ गर्मी में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसको 3 पॉइंट, ये हमारा 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.7, ये 3.70 शो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 3.71, ये 3.72, ये हो जाएगा 3.73, ये 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये क्या हो गया, 3.8 आ गया। ठीक है, समझ गए, तो इसका मतलब है 3.76 खोजना है, कहाँ पे,
3.75, 3.76 यहाँ पे है, मतलब आप ध्यान देंगे 3.765 है, मतलब एक ज्यादा और है। इसका मतलब हमारा नंबर जो 3.76 जो है और 3.37 के बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसको और जूम कर देते हैं, चलिए इसको जूम किए तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देना चाहिए ताकि अच्छे से दिखे, 3.7 और 3.8 को चल नहीं रहा, इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो फिर एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। गर्मी तो बहुत है भाई, गर्मी इतना आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको जूम लिखते हैं, तो यहाँ 0 0 1 मान लेते 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हम आए थे 3.76 पे, तो ये हमारा हो गया 3.760 हो गया, ये क्या हो गया 3.761, ये क्या हो गया 3.762, ये क्या हो गया 3.763, ये हो गया हमारा 3.764, ये क्या हो गया 3.765, ये क्या हो गया 3.766 हो गया, ये क्या हो गया 3.767 हो गया, ये क्या हो गया 3.768, ये 3.769 और ये क्या हो गया 3.7 कहाँ पे 3.77 हो जाएगा, ठीक है 3.77 हो गया। अब देखिए अब कहाँ पे 3.765 कहाँ पे है, 3.765 जो है कहाँ पे है, यहाँ पे 3.765 ये नंबर, ये पॉइंट जो ही आपका है, ठीक है। तो हमने देखिए कितना मैग्निफाई करके उस पॉइंट तक आए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अगर वीडियो अच्छे समझ आ पाए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन टू में करा विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेस का मतलब हो गया कि देखिए 4.26 बार लिखा इसको, इसका मतलब 4.2626 मतलब इतना तक तो आपको दिखाना है, तो दिखाना है 4 डेसिमल प्लेस तक लिखा नंबर। तो क्या करेंगे, तो स्केल लेंगे, स्केल के बिना ये कभी हो ही नहीं सकता है, तो स्केल लेते हैं। तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए तो ये मान लेते हैं 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो देखिए नंबर लाइन पे हम यहां मान लेते हैं 0, इसको 0 के लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखेंगे मेरे दोस्त ये 4.2626 जो लाई कर रहा है ये इतना है 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में कहीं पे आएगा, कहाँ पे आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे एक और लाइन यहाँ पे उसको मैग्निफाई करेंगे और जूम करेंगे। तो एक लाइन फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ड्रो कर लेते हैं। ये अपना हो गया हमारा क्या था 4 और 5 के बीच में, तो 4 कहाँ पे है यहाँ पे है, थोड़ा डार्क कर ताकि दिखे, और ये क्या हो गया 4.0 हो गया, 4.0 ये 4.1 ये 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
4.7, 4.8, 4.9 और ये हमारा हो गया 5। ठीक है, तो 4, 5 पे इतना बड़ा जूम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो ये हमारा 4 हो गया और यहाँ से हमारा 5 आ गया। ठीक है, जूम कर दिया, जूम कर दिया कि नहीं, जूम कर दिया 4 और 5 को। उसके बाद 4.2 देखेंगे। ठीक है, एक डिजिट देखेंगे, 4.2 कहाँ पे, 4.2 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन 4.2 के बाद और आगे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4.2 और 4.3 के बीच में ये लाइक है, क्योंकि और ज्यादा है, तो इसके बीच में 4.2 और 4.3 के बीच में लाइक करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो उसके बाद जो है, तो ये आपका यहां फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो ये देखिए, ये 4.2 और 4.3 थे, इसको मान लेते 4.2 अपना होगा, क्योंकि इसको जूम किया, इस फिगर, इस ना रीजन को और जूम करके इतना में कर दिया, 4.2 हो गया। ये 4.20 लिख देता हूं और 4.21 हो गया, ये 4.22 हो गया, ये 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और क्या हो गया, 4.3 हो गया। तो यहां देखिए 4.26 है, कहां देखेंगे 4.26, तो यहां पे 4.26 है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसके बाद भी 2 है, इसको फर्दर और थोड़ा सा इसको इसको जूम को दिखा सके अच्छे से, यहां पे ये आ गया 4.2 और 4.3 कहां है, यहां है। ठीक है, तो अब हमें जूम करें 4.26 और 4.27 के बीच में लाइक करेगा, फिर इसको नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 4 पॉइंट, मान लेते 4.260 हो गया, तो 4.261 हो गया, ये 4.262 हो गया, ये 4.263 हो गया, ये क्या हो गया 4.264 हो गया, ये क्या हो गया 4.265 हो गया, ये क्या हो गया 4.266 हो गया, 4.267 हो गया, 4.268 हो गया, 4.269 हो गया, और ये क्या हो गया 4.2 क्या हो गया 4.27 हो गया। ठीक है, तो यहां से फिर से इसको ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, तो अब कहां पे आ गए, यहां तक आ गए, तो हमें कहां से जाना था 4.262 कहां पे है, तो 4.262 यहां पे है। तो देखिएगा, अब 2 के बाद एक और आगे डिजिट दिख रहा है, 2 के बाद 6 दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसका मतलब और जूम करना पड़ेगा। अब 4.262 और 4.263 के बीच में कहीं लाई करेगा, कहां पे करेगा, उसके लिए हम क्या करें, फर्दर इसको जूम करते हैं। ठीक है, तो फर्दर जूम करते हैं, तो यहां पे देखिए, तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, देखिए
तो हम यहाँ इसको क्या लिख दे, कौन यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो 4.2620 ये क्या हो गया 4.2621 ये क्या हो गया 4.2622 हो गया, ये क्या हो गया 4.2623 हो गया, ये क्या हो गया 4.2624 हो गया, ये क्या हो गया 4.2625 हो गया, ये क्या हो गया 4.2626 हो गया, ये क्या हो गया 4.2627 हो गया, ये क्या हो गया 4.2628 हो गया, ये क्या हो गया 4.2629 हो गया, ठीक है 4.269 हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा 4.263 हो गया ना, 4.263 हो गया। तो हमें कहाँ जाना है 4.2626, तो 4.2626 कहाँ है, यहाँ पे है। तो हमारा पॉइंट यही है, ये पी पॉइंट, यही पॉइंट हमारा, देखिए कितना एक्चुअल वैल्यू ने मैग्निफाई कर करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था इसको नंबर लाइन से दिखा दिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करिएगा। थैंक यू।